दिया हमने इनको, और वो एक्ट ऑर्डिनेंस जो लाया था खत्म करने के लिए रात और रात वापस हो गया। शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे, तो सवाल करेंगे तो पूछेंगे कि क्यों था हमारा ऐसा इतिहास कि एक डिस्क्रिमिनेशन वो था और एज एक भेदभाव आज होता है। वो भेदभाव आपको सामने से नहीं दिखेगा, वो भेदभाव आपको आंखों से दिखेगा। मैं नहीं कहती सब ब्राह्मण बुरे, मैं नहीं कहती, मैं पूछता हूं उनका कॉलर पकड़ के कि तुम्हारे बाप का दिया रिजर्वेशन था। अगर हम कर्मकांड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तो जो चीज धर्म नहीं कर सकती वो चीज हमारे संविधान ने करी है। 131 MLA MP आज पावर में बैठे हैं, करते हैं आपकी बात, उठाते हैं आपके मुद्दे, या डॉक्टर अम्बेडकर का चैप्टर हटा देंगे तो आप कभी भी इंडिया को विश्व गुरु नहीं बना सकते। महिला ही क्यों घर का काम करेगी सारा? ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपका पति कमा रहा है, आप कमा नहीं रही, आप घर संभाल लीजिए, बच्चा संभाल लीजिए, बच्चा पैदा करना है, देखरेख करनी है, बुजुर्गों की देखरेख करनी है, बट वो दोनों काम कर सकते हैं। अगर महिला कमजोर रहेगी, पीछे रहेगी, आपके साथ आगे नहीं आएगी, अच्छे विचार साझा नहीं करेगी, मुझे कुछ जैसी लड़कियों को नहीं सुनेगी, तो वो कभी भी आगे नहीं आएगी। वो ब्राह्मण मनुवादी जो विचारधारा है उसका कर्मकांड ढोती रहेगी। मैं नहीं कहती सब ब्राह्मण बुरे, मैं नहीं कहती, लेकिन जो विचारधारा है मनुवादी, जो मनु के दिमाग से चलती है, वो बुरी है। क्योंकि एक ही धर्म, एक ही सोच इस तरीके की रही है जिसने मनुष्य और मनुष्य में फर्क दिखाया, पता है ना आपको? तो आप मुझे बताएं, अभी भी आप में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी दोबारा कड़वी बार, जो करवा चौथ का व्रत रखती होंगी, जो कर्मकांड करती होंगी, जो मंदिर जाती होंगी। मैं नहीं कह रही आपकी श्रद्धा, आप जाओ, आपको ढोना है वो करना है वो करो। अगर हम कर्मकांड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि एक पुरुष तो पढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान आज मेरा महिलाओं पे रहेगा, बुरा नहीं मानेगा। पुरुष का पढ़ना, बच्चे का पढ़ना, लड़के का पढ़ना, ठीक है, लेकिन बाबा साहब हमेशा जोर देते थे कि अगर एक महिला पढ़ेगी, एक लड़की पढ़ेगी, तो वो खुद तो पढ़ेगी पढ़ेगी, पूरी नस्लों को, आने वाले जिस परिवार में जाएगी उनको शिक्षित करेगी, उसके बाद अपनी आने वाली जितनी पीढ़ियां, जितनी नस्लें होंगी उन्हें शिक्षित करेगी और अंधविश्वास में से बाहर निकालेगी। क्योंकि धर्म, आज आपने देखा, मैं हर जगह ये बात कहती हूँ, क्या एक महिला, अभी आपने देखा है कि मंदिर की कभी पुजारी को महिला देखा है? मैं हर बार ये बात बोलती हूँ, कभी देखा है चर्च की पादरी को महिला देखा है? देखा है बच्चों, मंदिर की पुजारी देखी है महिला? मस्जिद की मौलाना को कभी महिला देखा? नहीं देखा। राष्ट्रपति देखी, राज्यपाल देखी, कलेक्टर देखी, DC देखी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर देखा, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, कलेक्टर, सब देखा। तो जो चीज धर्म नहीं कर सकती वो चीज हमारे संविधान ने करी है। सिर्फ एक मसीहा जो जा चुके हैं दुनिया से शारीरिक रूप में, बट आत्मा से, अपनी करनी से हमेशा, आत्मा तो चलो वो धार्मिक वाला मत लेना, करनी से हमेशा अमर है हमारे बीच में। उनकी लिखी हुई बातें, आज अगर हम विश्व गुरु की बात करते हैं, आज अगर हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, देश को एक ऊपर के स्तर पे लेके जाना चाहते हैं, तो अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर का नाम बीच में से काट देंगे या डॉक्टर अम्बेडकर का चैप्टर हटा देंगे तो आप कभी भी इंडिया को विश्व गुरु नहीं बना सकते। आइडिया ऑफ इंडिया कभी भी पूरा नहीं हो सकता अगर डॉक्टर अम्बेडकर का नाम खत्म कर दिया जाएगा। और वो अभी सिर्फ इस मंडल में, इस जगह पे, अगर कुछ महिलाएं दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से, आदिवासी समाज से हैं, तो आप ये मान के चलिए, और गर्व से अगर आपके साथ कोई कुकर्म कर्मकांड करने वाली महिला है तो उसको ये चीज बताइएगा कि जो तुम पुष्प, आप खुद को समझिए पहले, अर्पित करती हो रोज सुबह उठ के, जल लेना, पानी लेना, सूर्य को चढ़ाना, मंदिर में जाना, तो सबसे पहले अगर पुष्प अर्पित किसी भी हिंदू महिला ने करने, तो वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में। जिस हिंदू कोड बिल के विरोधी लोग खड़े हुए थे और हमारे डॉक्टर साहिब, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उस चीज के लिए लड़ाई लड़ी, वो हिंदू कोड बिल क्या था? वो, यस, वेरी गुड, राइट टू प्रॉपर्टी, अडॉप्ट अ चाइल्ड, राइट टू मैरिज। आप बच्चा, जिस औरत को, महिला को गर्भवती नहीं, बच्चा नहीं होता था, देखिए बात बिल्कुल स्पष्ट और सीधे तरीके से करनी चाहिए, कोई शर्माना नहीं है। जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो उसको बांझ बांझ कह के चिल्लाया जाता था, असम्मानित किया जाता समाज में। बाबा साहिब ने कहा कि आप बच्चा अडॉप्ट कर सकती हो। अगर एक लड़की और लड़का
शादी में खुश नहीं है, जबरदस्ती शादी हुई है, तो पहले ऐसा था कि तलाक सिर्फ पुरुष देगा, महिला को अधिकार तलाक लेने का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया कि तुम सिर्फ झुग्गियां नहीं खाओगे, तुम अपना तलाक खुद ले सकती हो। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको इक्वल वेज का, इक्वल तनख्वाह का, कि अगर पुरुष 8 घंटे काम कर रहा है तो अगर महिला भी 8 घंटे काम कर रही है तो जितनी उसकी तनख्वाह है उतनी ही आपकी भी तनख्वाह होगी, आपको इक्वल राइट है, समानता का अधिकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। इस तरीके का डिवोर्स लेने का बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चीजें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सारी महिलाओं को दी। तो सोचिए जो लोग रूढ़िवादी विचारधारा से ग्रस्त मानसिकता के, पितृसत्ता से प्रताड़ित जिनकी मानसिकता थी, वो लोग इन सारी विचारधाराओं के अगेंस्ट थे और वो कहने लगे कि नहीं नहीं हिंदू कोर्ट बिल नहीं हो सकता, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर डट के खड़े रहे। अगर शायद गांधी जी ने उस समय उनके साथ वो शरारत नहीं की होती, हम आज कहते ना, अभी एक बच्ची ने बहुत, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जिस बच्ची ने बोला कि ओके मुस्कान ने बोला कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, अभी भी एक छोटी बच्ची के पिता जो यहाँ पर थे उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची के साथ भी हॉस्टल में हो, मैं जीती जाती एग्जांपल हूँ, जिसके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव, भेदभाव सबको समझाते हो कि बहुत लोग अंग्रेजी नहीं जानते होंगे, भेदभाव। अब पहले डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था? जिस तरीके से हमारे मुंह के आगे पीक दान रख दिया, पीछे झाड़ू लगा दिया, ज्ञान सुनने के, बहुत बड़ा ज्ञान, वो ज्ञान जिसका कोई तर्क ही नहीं, वो अगर मंदिरों में पढ़ा जा रहा है कुछ तो कान हुए कांच पिघला के डाल दिया गया। आप ये सोचिए कि उस टाइम का इस तरीके का भेदभाव किया जाता था जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सहा, अपने शरीर पे, अपने चीजों पे, अपना आसपास में देखा कि उनको स्कूल में पढ़ने नहीं जाने दिया जाता था, उनके साथ इस तरीके की क्रूरताएं की उस टाइम के समाज ने, क्योंकि उस टाइम का संविधान नहीं था। ये मैं आजादी से पहले की बात बता रही हूँ, ये मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ कि जब समाज में ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है वो बहुत हावी थी, तो उस टाइम पे लॉज इतने सेटल नहीं थे, लॉज इतने बड़े हमारे देश का कोई कानून व्यवस्था नहीं थी कि आप किसी को पनिश कर दो, किसी को से लाखों के पीछे डाल दो। तो जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये लड़ाइयाँ लड़ी तो एक चीज आई हमारे पास, क्या? SC ST Act। ये चीज सुनिएगा ध्यान से, जिसको खत्म करने के लिए पूरी साजिश की थी भारत सरकार ने 2018 में, जिसकी हमने लड़ाई लड़ी थी और घुटने टिकवा दिए हमने इनको, और वो एक्ट ऑर्डिनेंस जो लाया था खत्म करने के लिए रात और रात वापस हो गया, लड़ाई हमने जीती है 2018 में। तो आप सोचिए क्यों खत्म करना था, वो अगर खत्म हो जाता, जो आज जो लोग डरते हैं कि अगर आपको सड़क पे खड़े होके मार नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, इसलिए नहीं कि वो सम्मान करते हैं आपका, इसलिए कि उनको पता है कि कानून ऐसा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ कि जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे, तो इस वजह से डरते हैं। तो आप सोचिए कि एक डिस्क्रिमिनेशन वो था और एक भेदभाव आज होता है, वो भेदभाव आपको सामने से नहीं दिखेगा, वो भेदभाव आपको आंखों से दिखेगा, वो लोग आपको आंखों से मारेंगे, वो लोग सामने से नहीं करेंगे, वो हर एक रणनीति राजनीति इस तरीके से करेंगे कि अंदर से सब कुछ खत्म करेंगे, अंदर से आपको काटेंगे, सिस्टम में आपको नहीं आने दिया जाएगा। कैसे है, किसी के पास जवाब? भाषण नहीं, इंटरेक्टिव करो, किसी के पास जवाब है आज कैसे करते हैं भेदभाव? कैसे करते हैं भेदभाव? ऐसे किया जाएगा कि आपके बच्चों के, आपकी नस्लों के, अगर आप बोलेंगे नहीं ना, आवाज नहीं उठाएंगे, तो शिक्षा के सारे स्कोप उच्च शिक्षा में जाने के बंद कर दिए जाएंगे। जिस तरीके से नई शिक्षा नीति लाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में इंप्लीमेंट कर दी है, लिया आपका सलाह मशवरा, है आपके पास इतने पैसे? हम तो पढ़ लिए, हमारा जो दौर था, मैं कोई ज्यादा बुढ़ी नहीं हूँ, हमारा जो दौर अभी का था, हमने पढ़ लिया साल की 5,000-6,000 फीस देके। लेकिन आज के दौर में जो नई शिक्षा नीति है, डिग्री आपको वही मिलेगी जो हमारे पास है, लेकिन वही डिग्री आपको हर 3 महीने में, हर 6 महीने में 5-6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दे सकते हैं हम लोग? नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि हमारे पास अच्छा रोजगार ही नहीं रहा, हमारे पास अच्छे पैसे ही नहीं रहे, हमारे माँ बाप मजदूरी करते हैं, जो सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं, वो कहां से 3 महीने के लिए 3-4 लाख रुपए लाएंगे? हमने सोचा, हमारे लोगों ने अपना जमीर बेच दिया, जो आज सत्ता में करती हूं मैं कड़वी बात, इसी चीज के लिए जानी जाती हूं, सत्ता में जो आज हमारे 131 MLA MP बैठे हैं, आप होंगे उनके चाहने वाले, मैं नहीं हूं,
और पूछता उनका कॉलर पकड़ के कि तुम्हारे बाप का भी और रिजर्वेशन था जिसकी वजह से तुम आज वहां हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हो और हमारी चीजें खत्म की जा रही है, तुम सवाल नहीं उठाते। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, जिस संविधान जो बाबा साहब ने लिखा उसमें सबसे ताकतवर कौन है? राजा नहीं है, प्रजा है। जिसने राजा को बनाया है, जिन्होंने हमने वो 545 मुखोटे वहां पे बिठाए हैं सत्ता में, सरकार कितने लोग चलाते हैं? 45, 43 अभी आई थिंक प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 43। तो उनको किसने बिठाया है? किंग मेकर जो है ना, वो किंग से ज्यादा पावरफुल है। तो हम ताकतवर है, हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पे तानाशाही नहीं चलती, लोकशाही है, लोकतंत्र है, हमारा देश डेमोक्रेसी। तो उसमें हम सवाल पूछ सकते हैं कि अगर हमारे शिक्षा नीति आगी, बचाओ मजदूर का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, आदिवासी का बच्चा कहाँ से देगा 3 लाख रुपए, कैसे पढ़ेगा? ये है डिस्क्रिमिनेशन असली। ये क्या किया जा रहा है? क्योंकि आपके बच्चे शिक्षित ना हो, क्योंकि शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे, तो सवाल करेंगे तो पूछेंगे कि क्यों था हमारा ऐसा इतिहास, क्यों बाबा साहेब ने क्रांति तो देश आजाद होने से पहले ला दी, देश के बाद संविधान लिख दिया, लेकिन बाबा साहेब को आपने भारत रत्न कब दिया? कब दिया था? 1800 या 1990? 1990 में। तो तब क्यों नहीं दिया? हमारे इतिहास में जो किताबें लिखी गई, तब बाबा साहेब का नाम इतनी देर के बाद क्यों आया इतिहास के अंदर? क्यों आपने उस इंसान को, जिसको फॉरेन ने, लंदन ने, कैलिफोर्निया जैसी यूनिवर्सिटीज ने उनको सम्मान दिया, वहां पे अंबेडकर जयंती मनाई जाती, वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्ट्रीब्यूशन, तो हमारे लोगों ने क्या किया? कभी पूछा हमने ये सवाल? कभी देखा ये चीजें? बस गुलामी करी। इसीलिए बाबा साहब चाहते थे कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जब मिले तो हमारे लोगों का जो नेता हो वो हमारे ही बीच का हो, हम अपने प्रतिनिधि चुने और हम उसे वोट दे ताकि वो हमारे हक की बात करे, ताकि सिर्फ हमारे ही लोग उसे वोट दे सके, क्योंकि अगर दूसरे लोग भी वोट देंगे तो वो लाइजनिंग करेगा, तो वो दलालगिरी करेगा, वो वहां से भी खाएगा, यहां से भी खाएगा और काम उनके करेगा। वैसे भी आज के दौर में जीने का अधिकार उसको ही है जो इस तरफ का दिखता रहे और उधर का हो जाए। आपको खत्म करने वाले कोई और नहीं, आप ही के समाज के गद्दार, हमारे समाज के गद्दार हैं जिन्होंने वहां जाकर हाथ जोड़े, दलालगिरी करी, पैसे खाए, अपने बच्चे जाए विदेश में पढ़े। हमारा भी तो हीरा विदेश में जाकर पढ़ सकता था, रह सकता था, लेकिन उसने पे बैक टू सोसाइटी का मतलब समझा, वो आया वापस, शिक्षित किया आप सबको, आप सबके लिए लड़ाई लड़ी, समझौता नहीं किया। और आज का भारत, आज के अंबेडकरवादी इस तरीके के अंबेडकरवादी हैं जो 131 MLA MP आज पावर में बैठे हैं, करते हैं आपकी बात, उठाते हैं आपके मुद्दे। आज बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कितने केसेस हम देख रहे हैं। मैं वकील नहीं हूं, लेकिन हमारे पास बहुत ताकतवर वकीलों की फौज है। हमारे मेरे ही केस में वकील जो एडवोकेट महमूद प्राचा जी हैं, जो सच्चे अंबेडकर राइट है, वो मेरा केस देख रहे हैं। वो नाम से बेशक आपको मुसलमान लगे, लेकिन एक सच्चा अंबेडकरवादी इंसान जो है वो मैं उनमें देखती हूँ। लड़ाई लड़ रही हूँ क्योंकि बाबा साहेब के पीछे भी एक चीज याद रखिए, अगर कोई नहीं था मुस्लिम समाज खड़ा था, तो हमारे बीच में लड़ाई लगवाने वाले मनुवादी हैं, ना हमारा सिख क्या दुश्मन है, ना हमारा मुसलमान दुश्मन है, ना ही हिंदू दुश्मन है। हम तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा जो है मनुवादी विचारधारा, वो सबसे बड़ा दुश्मन है, ये याद रखिएगा चीज। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सोचिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हम सिर्फ पढ़ते हैं, और किसी बच्ची ने भी बड़ा अच्छा कहा कि हम भूल जाते हैं, ओकेजनली हम याद करते हैं, एक ठीक है आज दिन है, दिहाड़ा है, आज बनाएंगे, आज के बाद हम याद नहीं करेंगे, अपने अपने व्यस्त हो जाएंगे कामकाज में, ठीक है मजबूरी भी है, खाना भी खाना। लेकिन छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी, जैसे हम टीवी देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं, अगर हम अच्छे संस्कार, अच्छी चीजें अपने बच्चों को प्रेजेंट टाइम में, जितने भी यहाँ वक्तागण बैठे हैं, वो कोशिश करें हम लोग प्रॉब्लम्स में बात ना करके सॉल्यूशंस पे बात करें। हम लोग हमेशा तकलीफ, मेरे को बड़ा दुख, मेरे को कोई है पंडाल में लोग जिसको तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा, सबको दुख तकलीफ होगा, लेकिन हम सॉल्यूशंस की, इतिहास यूट्यूब पे बहुत है, हिस्ट्री यूट्यूब पे बहुत है, हम वहां से भी सुन सकते हैं, हम सुनाते हैं। लेकिन मेरा यही आप सबसे एक निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ के विनती रहेगी, आज का यूथ आप सबके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, जो रिटायर भी हो चुके हैं, जो सीनियर हैं, आपका तजुर्बा इतना बड़ा है, शायद मेरी उम्र भी उतनी नहीं होगी जितना आपका एक्सपीरियंस है। हमें एक मंच पे आने की जरूरत है, हमें एक सही मायने में तब होंगे जब मूल 85 दहाड़ेंगे, और जो कल जो हम अंग्रेजों से लड़ने वाले भी हम थे, ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है,
मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरे चाचा सब आर्मी में रहे, सब फौज में रहे, सब ने खून बहाया, देश के लिए शायद सिर कटवाए, वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया होगा। इन्होंने घुटने टेके जो आज सत्ता में बैठे हैं अंग्रेजों के आगे, हमने सिर्फ छाती ठोक के लड़े उनसे और उन्हें भगाया है। तो कल हमने गोरे अंग्रेजों को भगाया था, आज हमने कल गोरों को भगाया था, चोरों को भगाना है, ये हमने करना है क्योंकि हमने अपना देश बचाना है। मैं सबसे, बाबा साहब ने क्या कहा था कि सबसे पहले मैं फर्स्टली एंड लास्टली इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। तो भारत किसी का नहीं है, भारत हमारा है। संविधान की रक्षा करना किसी का फर्ज नहीं है, सबसे पहले अंबेडकरवादियों का फर्ज बनता है संविधान को रक्षा करना, किसी का फर्ज नहीं है। उनके बाप ने तो लिखा नहीं, उनके बाप ने तो समानता दी नहीं, वो तो क्रूरता, वो तो इस तरीके से चलते आए कि एक मनुष्य ऊपर है एक नीचे है, साइंस को फेल करते आए, किसी का जन्म बुझाओं से कर दिया, किसी का मुंह से कर दिया। तो हमारे तो बाप ने ये कहा कि साइंटिफिक है, साइंस है, साइंस से होगा, एक ही नियम है प्रकृति का बच्चा पैदा होने का, उसी तरीके से बच्चा पैदा होता है। उसी तरीके से हमारे बाबा साहब ने नहीं कहा कि विष्णु जी पता नहीं किसके, ब्रह्मा जी पता नहीं किसके, वो बुद्ध के अवतार हैं, हमारे बाबा साहब ने हमें ये चीजें नहीं कही। राइट, आई एम राइट और रॉन्ग, सही है ना? तो इन साइंटिफिक चीजों को हमने अज्ञानता का काटा मार के ज्ञान की तरफ बढ़ना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जितना आप ज्ञान में डूबोगे डूबते जाओगे, विज्ञान आपको सवाल करना सिखाएगा, मेरी तरह धाड़ना सिखाएगा। अब आती हूँ मैं अपनी मिसाल पे। बच्चे कहते हैं शोषण हो रहा है, बिल्कुल बात सही है, बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम चुप हैं। कोई इसलिए चुप है अपनी जुबान काट के कि कहीं मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे बच्चे की नौकरी का सवाल है, कहीं मैं कुछ बोलूंगा तो मैं खाना कहाँ से खाऊंगा, मेरा ये चला जाएगा। हम संगठित नहीं होते। बाबा साहब ने कहा था ना, ऑर्गेनाइज एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुटेट, संगठित हो जाओ, एक जगह बैठो, जिस तरह ऑर्गेनाइज आज हम यहाँ पे हैं, ऑर्गेनाइज होकर आज ये एजुकेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ, वार्तालाप कर रही हूँ, आप शिक्षित हो रहे हैं मेरी बात सुन के। हो सकता है कुछ चीजें मुझे नहीं पता हो, मैं आपसे सीखूं, और इसी चीज को अगर हम एक मंच पे आ जाएंगे तो हम एक आवाज बन के इनसे जो हमारे हक छीने जा रहे हैं एजुकेट कर सकते हैं। तो मेरे साथ जो हुआ उस चीज को समझिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लड़की ऐसे समाज से आ रही है, दलित पिछड़े समाज से, और उनकी मुखर होकर आवाज उठा रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, अपने समाज को जागरूक कर रही है। तो एक प्रताड़ित ग्रस्त मानसिकता की प्रिंसिपल, मनुवादी विचारधारा की, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती थी उस कॉलेज की प्रिंसिपल ने एक झूठी साजिश रची मेरे लिए, एक 35 झूठे बच्चे तैयार किए, तैयार बच्चे नहीं थे जो उसने हस्ताक्षर किए कि मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, मैं क्लास के अंदर दलित और नॉन दलित पे बात करती रहती हूँ, सिर्फ दलित और नॉन दलित पे, मैं जो सब्जेक्ट है उस पर नहीं पढ़ाती हूँ, एक साजिश रची। और जब पूछा गया कोर्ट ने कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या प्रूफ है, तो प्रूफ एक झूठी चिट्ठी लिखी, यही जो मैं बता रही हूँ, और 35 बच्चों के साइन कर दिए। और उसको लगा कि कितने दिन चलाएगी, यूट्यूब पे तो भाषण देती है, शुक्रिया नेशनल दस्तक का बहुत बहुत, मीडिया जो हमारा सोशल मीडिया है, हमारी आवाज वो मोदी मीडिया, मोदी मीडिया तो उठाएगा नहीं, लेकिन इस तरीके के जो मीडिया जैसे नेशनल दस्तक हो गए, अन्य मीडिया जो सोशल मीडिया चैनल हो गए, ये लोग हमारी सच की आवाज उठाते हैं, ये सच की आवाज उठाते हैं। तो हमारी आवाज पहुंची जहां उस दुष्ट मानसिकता की औरत को लगा था कि चार दिन चिल्लाएगी चुप हो जाएगी कहां जाएगी, उसको मेरे कपड़े पहनने से दिक्कत थी, इतने अच्छे कपड़े कैसे पहनती है, ये तो इस समाज की लगती नहीं है, ये तो इतनी अच्छे से बोलती है, अंग्रेजी कैसे जानती है, ये लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं, तो उन लोगों को इन चीजों से दिक्कत होती थी। तो आप सोचिए जब कोर्ट गई तो कोर्ट ने पूछा कि आप बताएं कि किस बदौलत आपने इनको निकाला है, तो आप सोचिए कि उसने जो झूठी चिट्ठी कोर्ट में लगाई, उस टाइम पे ऑनलाइन हियरिंग हो रही थी, कोर्ट ने भी उनकी बात मान ली कि ये चिट्ठी सच्ची है, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारी, फिर मेरा साथ दिया एडवोकेट महमूद प्राचार्य, उस एडवोकेट जो मसीहा बन के मेरे लिए आया, जो सच्चा अंबेडकरवादी, उसने जब मेरा केस पढ़ा उसने कहा तो फ्रॉड है ये, कैसे हो सकता है? मैंने कहा सर ये जो नाम है बच्चों के तो मेरे पढ़ाए हुए है ही नहीं, ये बच्चे मेरी क्लास में कभी थे ही नहीं। और तब केस गया SC ST एक्ट के अंदर अदालत में, जब SC ST एक्ट उस प्रिंसिपल पे हमने लगाया बहुत मुशक्कत करके, बहुत मेहनत से, ऐसे नहीं लगाते, सच की आवाज ऐसे नहीं उठाते, जब लगा तो पता चला रिपोर्ट में चार्जशीट जमा हो गई उस पे कि वो पूरे कॉलेज के अंदर वो 35 बच्चे है ही नहीं। आप सोचिए यही काम किसी दलित प्रिंसिपल ने किया होता तो आज उसको फांसी पे टांग दिया होता, और आज वो बेईमान वहां बैठी है। लेकिन ठीक है, लड़ाई मेरी कोर्ट में है, अगले महीने हियरिंग है, आपका साथ ये होना चाहिए। चार्जशीट जमा हो जाना बहुत बड़ी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या
इतिहास है 100 साल का जो पिछले साल उन्होंने मनाया। पहला ऐसी लड़की है आपके सामने डॉक्टर रितु खड़ी जिसने हिम्मत करी और दोनों रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों मनुवादी विचारधारा के और दोनों उच्च समाज से आते हैं और उनके खिलाफ एससी एसटी के अंदर एफआईआर दर्ज हुई पहला केस। और ये एक मैसेज है, छोटी बात नहीं है, और चार्जशीट भी जमा है, पुलिस वाले ने चार्जशीट जमा करके दिखा दिया, कोर्ट में जमा हो चुकी है कि इसने ये कांड किया है। और ये जो 35 बच्चे झूठे डॉक्टर रितु के लिए कोर्ट में लगाए और मनुवादी कोर्ट ने वो दे दिया लिख के, और ये 35 बच्चे पूरे कॉलेज में नहीं है, हमने पूरी इंक्वायरी कर ली, पूरा रिकॉर्ड देख लिया, 35 बच्चे। आप सोचिए कि अगर किसी दलित प्रिंसिपल टीचर ने ये काम किया होता तो उसका क्या होता। और अगर मैंने ये हिम्मत करी है तो आप सब मेरा समाज हो, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है बच्ची रोहित वेमुला जैसी हिम्मत ना हार जाए, पायल तड़वी जैसी हिम्मत ना हार जाए, या जो उस बच्ची ने आईआईटी के बच्चे की बात बताई, क्योंकि अकेला पड़ जाता है आपका बच्चा, क्योंकि जब आपका बच्चा बोलता है हिम्मत करता है उसको ये ऐसे काटते हैं। वो काम आज मुझे मुंह पे नहीं कर सकती, वो उसने पीछे से किया, उसको लगा चार दिन यूट्यूब पे चिल्लाएगी बोलेगी कुछ होगा नहीं, कौन साथ देगा, पैसे तो होंगे नहीं केस लड़ने के, लेकिन महमूद प्राचा मसीहा बन के आया फ्री निःशुल्क मेरा केस लड़ रहे हैं पिछले 2 साल से बिना पैसे के। ये है ताकत सच्ची, हमारे पास पूरी टीम है। मैं आज इस सभा में अपनी बात खत्म करने वाली हूँ और आप सबको बोल के जा रही हूँ, हम मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम उस जिसके साथ भी धक्का हो रहा है हिम्मत नहीं हारनी, किसी को भी निशुल्क सेवा चाहिए वकालत की, केस लड़ना है, हिम्मत रखनी है, तो आप हमारे पास आइए, हमारे पास पूरी वकीलों की फौज है, टीम है, हम आपका निशुल्क केस लड़ेंगे, ये मैं वादा करके जाती हूँ, पूरा आपको कहीं पे भी आपका रोजगार नहीं है तो कानूनी तरीके से आपका अधिकार बनता है, आप कहीं पे भी अपना ठिया लगाइए, चाहे अंडे बेचिए, चाहे तेल बेचिए, चाहे पकोड़ा बेचिए, चाहे कुछ भी खाने का सामान, चाहे बेचने का सामान आप बेच सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपका अधिकार है, कोई आपका ठेला उठा नहीं सकता। ये सरकारें डराती हैं आपसे 100-100 रुपया मांगेगी, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कमला नगर में अभी एक आदमी को उठाया था, हमारी पूरी टीम पहुंची, पूरी फौज पहुंची, उसका केस हमने कोर्ट में डाला है। हम कमजोर तब पड़ते हैं जब आप लोग हिम्मत हार जाते हैं, हम कमजोर नहीं पड़ते, हमने केस जीत लिया, आज वो वहां बैठ के लाखों रुपए मिल रहा है। अगर लग रहा है कि आपको वेंडरशिप में जाना है, आपको काम करना है, हॉकर फेडरेशन के नेता जो लोग हैं हमारे साथ हैं, यूथ काम कर रहे हैं हमारे समाज का, हम आपके साथ खड़े हैं, भूखे नहीं मरना, ऐसे नहीं बेबस नहीं होना, हम हर तरीके से आपके साथ हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे क्षमा लूंगी, बाबा साहेब ने हमें 50-50 का अधिकार दिया है, तो अगर अगली बारी 10 पुरुष हो तो 10 महिलाएं हों, 5 पुरुषों को 5 महिलाएं, चाहे कुछ भी बोले लेकिन अधिकार देना हमारा फर्ज है, राइट। आप समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार बाबा साहेब ने हमें दिया है, और आप घर से निकल के आए तो ये ना बोल के आए मैं आया आज प्रोग्राम में, चलो मेरे साथ आज हमने प्रोग्राम में जाना है, सारी क्रूरताओं से ऊपर उठ के, अंधविश्वास से ऊपर उठ के, बाबा साहेब के सपनों का भारत हमें मिला।